अभी मैंने देखो यहाँ पर भी लाइट, यहाँ पर वैन मैंने स्क्रीन पे गई और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ निक गुजराती और आपका स्वागत करता हूँ मेरी इस सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल यूट्यूब चैनल में। सो भाई मैं हूँ अभी नरेंद्र के घर पर और पढ़ता हूँ अब तक थर्ड ईयर MBBS ना, हाँ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। और अभी मैं आया हूँ नरेंद्र के घर पर। सो क्या थी ना, हम दोनों जाते हैं साथ में हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए, मतलब हमारे कॉलेज से जो दिया है ना हमको नर्स असिस्टेंट का प्रोग्राम वाला सीन, तो उसके लिए मैं जाता हूँ नरेंद्र के साथ क्योंकि वो नर्सिंग स्टाफ है जो एक हॉस्पिटल में। सो अभी सीख रहा हूँ मैं उसके पास। मेरा ना मस्त सोने का प्लान था, ऐसी शुरू करके मस्त एकदम सो रहे हमारा था, एकदम रूम भी ठंडा हो गया था। मैं व्लॉग एडिट कर रहा था क्योंकि दो तीन दिनों से कोई व्लॉग एडिट करने का हुआ नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा व्लॉग एडिट करने के लिए। लेकिन कोई ना, मैं वो तो कर लूँगा। बट नरेंद्र का सर का है ना दूसरा क्लिनिक गाँव में, दूसरे उसके गाँव में नहीं लेकिन दूसरे गाँव में क्लिनिक है। सो वहाँ पर हम आए अभी, सर अभी आएंगे आधे घंटे और मैं और नरेंद्र यहाँ पहुँच गए। दो तीन घंटा रहेंगे इधर, थोड़ा सर से सर के पास बैठेंगे, कुछ पेशेंट वेशेंट देखेंगे, वो कैसे डायग्नोज करते हैं वो सब देखते हैं। और दिन ऐसा था मेरा कि नरेंद्र मेरे बचपन का दोस्त है और उसको मैं ना इलेवंथ मतलब हम तो वैसे तो फोर्थ स्टैंडर्ड से साथ थे लेकिन मैं इलेवंथ में था तब वो टेंथ में था, तो मैं उसको मैथ्स बहुत सिखाता था। मतलब मेरा टेंथ में मैथ्स अच्छा नहीं था लेकिन इलेवंथ ट्वेल्थ में साइंस में पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, मतलब अभी उससे तो अच्छा ही था। सो तब मैं इसको मैथ सिखाता था और सब सिखाता था। सो अभी वो ये मेरे को ये मेडिकल का सिखा रहा, कोई ना चलता रहता, मतलब वसूल कर रहा हूँ। सो इससे पैसे सीखने का मजा आता है, तो मैं बोला ये इसके साथ चलता हूँ 15-20 दिन अभी ट्राई करता हूँ कैसा सीन है। ये है पाइंट या फिर आप ड्रिप ही बोलते हैं वैसे तो कुछ लोग। सो ये पाइंट गुजराती में बाटला बोलते हैं, बाटला सड़ा हो। पची ये जो है ना इसको बोलते हैं विगो, इस पे आप दो तीन पाइंट लगा सकते हैं, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि ना ये प्लास्टिक वाला मैन होता है। देखो ये जो है ना प्लास्टिक की, ये जो पूरी सुई जो है निकल जाएगी, ये अंदर प्लास्टिक का रहता है। सो ये पूरा अपने वेन के अंदर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। सो सर हमने ले ली है स्कार्फ, जो बड़ी मैंने ली थी पहले ब्लैक वाली, लेकिन उसकी स्पीड बड़ी होती तो इसका प्रॉब्लम होगा, तो हमने ले ली है छोटे बच्चों वाली। और अभी करेंगे पहले अपन कॉटन सॉप तैयार। अपन करेंगे लाओ कैमरा, तो मैं करता हूँ यहाँ लगाता हूँ वरना इसके कहीं और लग जाएगी। 2000 years later. तो अभी मैंने देखो यहाँ पर भी लाइट, यहाँ पर वैन मैंने स्क्रीन पे गई और यहाँ पर भी सेम ऐसे, पहले यहाँ पर दी तो यहाँ पर स्क्रीन पे गई, तो मैंने सोचा यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर भी स्क्रीन पे गई। अब तीसरी बार वापस ट्राई करते हैं, देखते सक्सेसफुल। फाइनली तीसरी ट्राई पर अपना हो गया, मैं दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हो खून देखकर आपको गो रही, मैं कोई बात नहीं मैं उसको ब्लर कर दूंगा। ये फाइनल तीसरी ट्राई पर, यहाँ तो मैंने छेद कर दिए थे, यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ भी छेद थी तो फिर हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ क्या वेन दिखती है अच्छे से, तो यहाँ पर लग गया। अब नरेंद्र की फट रही होगी, सो मैं अब निकाल लेता हूँ जल्दी से, फिर आपसे बात करता हूँ। नरेंद्र कैसा लग रहा है? बस ये वीडियो देखने के बाद 5 साल के बाद लोग आएगा मेरे पास या नहीं? सो नरेंद्र ने मेरे को बोला ये निकालने से पहले मैं तेरे को इंजेक्शन देना सिखाता हूँ, और सो इसीलिए ये लिया हमने, कोई एसिडिटी का इंजेक्शन दे रही थी ना एसिडिटी के लिए, अपन देते हैं पहले मैं भरता हूँ उसको। ये 2.5 ml वाला 2 cc सीरीन। तो भाई फाइनली इंजेक्शन में दे दिया। और कैसा है नरेंद्र? बस बढ़िया। अब मैं निकाल लूँ क्या करूँ? चलो अब मैं निकाल लेता हूँ वरना इसकी हालत टाइट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं। चलो ठीक है, तो मैं अब निकाल लेता हूँ इंजेक्शन इसका। हुआ था क्या, देखो आपने स्किन के 3 लेयर होते हैं ना, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। सो वो जा रहे थे एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस में, मतलब मैं क्या कर रहा था, वो एक एंगल होता है उस एंगल से तीन होते, सो पूरी जा नहीं रही थी।
तो लेकिन होता है कि अपना वेन जो होती है वो स्किन के तीनों लेयर के नीचे होती है, सो दो लेयर तक ही जा रही थी, तो हमने दो बार वापस निकल के वापस डाली है, अब सही होगा। लेकिन अभी दो तीन बार एक्सपेरिमेंट करूंगा, वो भी नरेंद्र पर तीन चार दिन तक आ जाएगा अपने को, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर ना। थैंक यू। सो भाई नरेंद्र के क्लिनिक से हम कब के आ गए, और अभी बना कुछ पानीपुरी का प्लान, तो मैंने बनाई जैसे वहां मैं पानीपुरी बनाता था वैसी वाली पानीपुरी, और नरेंद्र ने कुछ पानी बनाया, नरेंद्र ने मसाला मैंने किया और तली भी मैंने, सो अभी हम खाते पानीपुरी। हम गए थे क्लिनिक पर वापस, पहली बार गए वहाँ से तो आ गए, लेकिन वापस गए क्लिनिक कुछ रह गया था सर का हमारे पास सो देने के लिए, मतलब अभी तो मजा आ रहा है, नए नए देखते हैं कितने दिनों तक चलता है, क्योंकि मैं क्या सीन है अभी कि मैं घर पर कुछ एक ही दिन रहा हूँ, घर पर रहा ही नहीं है, सो मैं सोच रहा हूँ आज को नहीं लेकिन दो तीन दिन के बाद ब्रेक लेता हूँ, घर पर जाता हूँ, फिर घर से कुछ करेंगे ऐसा सीन है, लेकिन अभी तो ठीक है, अभी तो सही चल रहा है, देखते आगे क्या होता है, बाकी अभी बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अभी हॉस्पिटल में जाएंगे आज तो पेशेंट भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि आज सर भी आ गए वहाँ पर, तो वहाँ भी नए नए कुछ देखने को मिलेगा, तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। सुबह अभी बजे रात के 2, और आज बहुत सारे पेशेंट है, तो कुछ टाइम नहीं मिला शूट करने का, और आज मज़ा भी बहुत आया, बिकॉज कितने सारे अलग अलग पेशेंट थे, सब क्या अलग अलग कुछ ना कुछ होता था, सो उन सबका जानने को मिला, सो अभी सीन सही है सारा कुछ, अभी तक तो सब इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, मेरा मुझे लगा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जितने दिन जैसे जा रहा है ना उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, सो अभी तो मेरा सीन अभी ऐसा है कि व्लॉग एडिट करना, बिकॉज मुझे लगा था कि मैं घर आकर मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं व्लॉग से एडिट कर लूँगा, बट कुछ एडिट करने के लिए कुछ मिला ही नहीं है टाइम, सो अभी 2 बजे है, अभी व्लॉग एडिट करता हूँ थोड़ा, और पोस्ट करता हूँ अभी पोस्ट कर दूँगा व्लॉग, सो कल सुबह आ जाएंगे 9 बजे तक, कल सुबह मतलब पता नहीं आप कौन सा व्लॉग देखोगे, आइडिया नहीं, मतलब अभी मैं व्लॉग एडिट करता हूँ, और मिलता है कल सुबह आपसे।